वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव हमारी सुहासी और संकेत राव की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना, देखना सभी कैसे घूर घूर के देख रहे हैं इनको। घर जाके पहले दोनों की नजर उतारनी पड़ेगी। अब तुम दोनों भी खा लो। खाना ऐसे ही रखा है, चल खाना खा ले। नहीं है वो। चलो सब लोग खाना खा लो, रात की ट्रेन से बंबई जाना है। अब सो जाओ, घर जाके देखना एक दूसरे को। पानी का थर्मास यहीं तो रखा हुआ था, कहाँ गया? Thank you.
ये तो वहाँ भी थी और अब यहाँ भी। सुनिए, आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है, आपको कोई तकलीफ है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाय देवा, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। कर रही थी तुम? दरवाजा खुला है, कहीं कहीं गिर जाती तो? सब ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर खुदकुशी करना जा रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बता सुहासी, इस शादी से तू खुश तो है ना? वो मैं बाथरूम गई थी और मैंने देखा कि यहाँ एक औरत और मैं। औरत? कौन औरत? यहाँ तो कोई भी तो नहीं है। पर वो अभी यहाँ थी। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, थक गई हो ना? दुल्हन बनकर बैठे रहने से बहुत थकान होती है। जाओ, तुम बाथरूम हो आओ, तब तक मैं यही इंतजार करती हूँ। पर आप? मैं मिसेस राउल, वो लड़के वालों की तरफ से। जाओ। थोड़ा आराम कर लो। जल्दी कहकर आखिर लेट हो गए ना? ये कोई वक्त है घर आने का? यार रवि भो, अरे समझाओ इसे, क्या करूँ? ट्रेन को टाइम पर चलाना मेरे बस में तो नहीं है ना, और हम लोग वसई में रहते हैं, इस समय रिक्शा भी नहीं मिलती है। रिक्शा पकड़ो, घर तक पहुँचो, वक्त तो लगेगा ही ना। रवि भो, तुम ये ना समझाओ संगा, जल्दी आते तो जल्दी पहुँचते ना। सुहासी, शुभ मुहूर्त थोड़ा ही बचा है, हमें गृह प्रवेश करना है, बाकी की सारी रस्में भी पूरी करनी है, जल्दी चल। वहीनी वहीनी, दारूगढ़ वहीनी, दारूगढ़। अले
सुहासी, ये कादंबरी मामी है, अपने पड़ोस में रहती है, घर के जैसे ही है, उसे वही मान देना जो मुझे देगी। आ, अंदर आ। गणपति तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी मुस्कान यूं ही खिलती रहे, सदा सुहागन रहो। सुहासी, अग झालं का? सुहासी अग, चल लवकर चल, कुएं पे जाके नारळ फोडना है, चल चल चल। पता है तुझे ये नारळ फोड़ने की परंपरा क्यों है? अग क्या है कि शुभ काम में लोगों की नजर जल्दी लग जाती है, जिसका लग्न ना हो, जिसके काम में असफलता हो, उसकी नजर नवी नवेली दुल्हन पर लगी जाती है। लोग तो कई बार तोड़का भी कर देते हैं। इस दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए पुराने जमाने में जानवरों की बलि दी जाती थी, ताकि हमारी नजर जानवरों पर चली जाए। पर जैसे जैसे जमाना बदल गया, लोगों की सोच बदल गई और बलि देना बंद हो गया, और फिर ये नारियल फोड़ने की परंपरा शुरू हो गई। ये नारियल हमारे सिर का प्रतीक है, इसे भगवान को अर्पित करके हम ये जताते हैं कि हमने खुद को उन्हें अर्पण कर दिया है, अब वो हमारा कल्याण करे। ये वो छोटी छोटी रस्में हैं जिन्हें कई बार सब बेईमान समझते हैं, पर हर रस्म के पीछे एक कारण छिपा होता है जो सदियों से इन रस्मों को चला रहा है, पर कई बार इसे अंधविश्वास मानते हैं। तुझे अकेले ही जाकर ये रस्म पूरी करनी होगी। वहां बावड़ी के पास जाकर ये नारियल फोड़ना होगा। नारियल एक ही प्रहार में फूटना चाहिए, अच्छा होता है। एक बात का ध्यान रहे, जाते हुए बीच में रुकना नहीं या पीछे मुड़कर देखना नहीं, और बालों को खुलने मत देना। सूरज ढलने के बाद किसी औरत को खुले बालों के साथ पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। चुप होने दो, चल उठ। सूखा निकला, चल भीतर चल, संकेत इंतजार करता होगा, चल।
अगर भाई ये क्या नींबू पूरा काला हो गया। कहते हैं जितनी ज्यादा बुरी नजर उतना ही नींबू काला होता है। ये नींबू तो पूरी तरह परमेश्वरा शुभ शुभ होने दो परमेश्वरा। अच्छी लग रही है साड़ी। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मतलब है नए लोग नई जगह। ये कमरा कुछ छोटा तो नहीं लगा ना? सुनो बैठो ना। वैसे एक कमरा आई बाबा का है, उन्होंने हमें दिया है। तुम्हें खाने में क्या पसंद है, वेज या नॉन वेज? मैं नॉन वेज नहीं खाती। ओ, तो कल हम गुजराती खाना खाने चलेंगे। नींद आ रही है, थक गई होगी ना? अच्छा तुम सो जाओ, फिर कल बात करेंगे। ऑफिसर्स को फौरन रिपोर्ट करना जरूरी है। पर मुझे तो 3 दिन बाद रिपोर्ट करना था। नहीं संकेत, मैनेजमेंट का ऑर्डर है, सबके छुट्टी रद्द की गई है, आपको फौरन पूना रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आता हूँ। स्वासी 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 बात बताओ, कुछ दिन के लिए पूना चलोगी? अब बता क्या करूं, घर के सारे लोग मुझे अंधविश्वासी कहते हैं। कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ ना, बहुत परेशान हो गई हूँ। नजर उतारने वाला नींबू सुहासी का कोलीबाल झाड़ के नीचे जाके रुकना और सूखा नारियल, इतना सब कुछ होने के बाद अब तो ही बता क्या सुहासी पर बुरी नजर नहीं है? अरे नई दुल्हन है, नई दुल्हन को तो नजर लग ही जाती है, घर वालों की भी। तो चिंता मत कर,
मैं करती हूँ कुछ ना कुछ, रुक मैं अभी आई। ये ले, ये हनुमान चालीसा है और दिन में कम से कम एक बार उसे पढ़ने के लिए बोलना। इसे बुरी नजर और कोई बाधा होगी तो चली जाएगी। और ये काला धागा दे रही हूँ, उसे दाएं पैर में बांधने के लिए बोलना। और कहीं भी किसी भी जगह पर जाए तो ये दोनों चीजें उसे साथ में रखने के लिए बोलना। कुछ नहीं होगा। बर झालं गं बाई। आई। अरे जाग गए, तेरे लिए मैं चाय बनाती हूँ। नहीं आई, चाय अभी नहीं। कहाँ गई थी आई? अरे कादंबरी भाभी के यहाँ गई थी। अब सुहासिन जग गई, मुझे उसे कुछ बात करनी है। अंदर है आई, वो फोन आया था, पूना पावर प्लांट में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे पूना जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि अच्छा तू अपने साथ सुहासी को ले जाना चाहता है? हाँ ले जा। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूँ वहाँ पर, मैस है ना वहाँ पर। और सुहासी को भी इस घर की आदत होनी चाहिए, नहीं? हाँ ये भी ठीक है। तो एक काम कर, तू उसे यही छोड़ जा। आई, मैं सोच रहा था कि अगर सुहासी मेरे साथ पूना चलती तो अपने संबंधियों को भी मिल लेती, वहाँ उसका मामा रहता है। तो आई मैं कह रहा था। अरे गोल गोल क्यों घुमा रहा है, सीधे सीधे बोलना, तू कहना क्या चाहता है? तू उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है या छोड़ के जाना है? मैं कैसे कहूँ, ये फैसला तो मेरी आई करेगी, जो आई कहेगी ना वो मैं मानूंगा। अच्छा नाटक? हाँ नाटक, मन मन में भाव और नामे सिर हिला। गाढ़वा की तुझे बाइकवा है ना, हा? वो तेरे साथ ही जाएगी। अरे तू अभी तक नहाया है? नहीं ऐसे ही जाएगा, चलो पहले नहाओ, चलो। सुहासी अगसु अगु भाई कैसे लगा ये? हाँ कैसे लगा अगु भाई, खून बह रहा है। अरे नहीं आई, वो बस ग्लास हाथ से फिसल गया और कांच का टुकड़ा पाँव में। चिंता करने को, छोटा सा घाव है, भगवान का शुक्र है ज्यादा नहीं लगा है। मैं अभी पट्टी लगाती हूँ, रुक। पट्टी काय गो भैया, मुलीला म्हणायचं अगदी लक्षच नसतं हिचं, कसं बी लागलं हिला? ती धावपळ धावपळ करते, धावपळ धावपळ असते हिची सारखी। अब मैं पट्टी लगाती हूँ। आई आपको देखकर मुझे मेरी आई की याद आती है, उनसे भी मेरी जरा भी तकलीफ नहीं देखी जाती। अग सारे आई बाबा ऐसे ही होते हैं, दुनिया को खत्म होते हुए देख सकते हैं मगर अपने बच्चों के आंखों से आंसू गिरते हुए नहीं देख सकते। हाँ मगर एक है, उनके जिंदगी में अगर कोई जीवन साथी आ जाए तो आई बाबा पीछे हट जाते हैं। चल तू भी जल्दी तैयार हो जा, संकेत ने रिक्शे वाले को बुलाया होगा। हाँ रिक्शा आती होगी, जल्दी करना बस निकल जाएगी। गपरे आरती तो पूरी करने दे, चलो ऊपर। संभल, ओ चलो लव करे। ज्ञान गुण सागर जय कपी सिंह लोक उजागर, नाम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, काम काज कर बे को आतुर, रघु चरित्र सुनि बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
राम रे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई कट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव तिनाई जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कैसा लगा? छान अच्छा है। ये सब लोगों की रहने की जगह है, हमारे क्वार्टर्स तो वहाँ पीछे है। वो सब लोगों को हमारी शादी के बारे में पता चला ना, सब लोगों ने भेंट में दिया है 2 दिन के लिए। सुहासी, मैं जानता हूँ हम दोनों की शादी थोड़ी हड़बड़ी में हुई, शायद हमारी किस्मत में यही था, पर अब आगे की किस्मत हम दोनों को मिलके बनानी है। और क्या पता हम अपनी किस्मत ऐसे बना ले कि हमारी किस्मत पे भी कोई कहानी लिख दे या टीवी सीरियल बन जाए। मैं जानता हूँ ऐसा होगा नहीं, पर कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा मैं जाता हूँ, तो पावर प्लांट पहुँचने को देर हो जाएगी, फिर सब लोग खामखा बम मारेंगे। और कुछ देर और यहाँ रुका ना, तो फिर तुम्हारे पास से जाने का मेरा मन नहीं करेगा। अगर मेरी कोई जरूरत हो या मेरी याद आ जाए तो एक फोन घुमा देना, एक्सटेंशन 531 लिख दो। हाँ शाम का वक्त हो चुका था। अनामिका अपने घर में अकेली थी, वो बालकनी में बैठे किताब पढ़ रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था। अनामिका थोड़ी घबराई हुई थी और तभी अचानक कौन है? Thank you.